सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और इसका समाधान, ठीक है। ये जो निबंध है वो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पेपर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेपर लिए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व, मतलब कि पर्यावरण से ही हमारा जो कि संबंधित है, और ये भी हमारा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और इसका महत्व। देखिए ये भी हमारा वही है, मतलब एक ही पेपर में हमारा दो बार पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारा पेपर ही है, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण और उसके समस्या और समाधान, ठीक है। इस पर भी आपको पूछा गया है, देख सकते हैं। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ पेपर, ये भी देख लीजिए। इसमें भी पूछा गया वायुमंडल में फैलता प्रदूषण, तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई ये आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है, तो आई होप कि आप इसे पूरा जरूर से देखेंगे और इसे आसान तरीके से आज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, आप बोर्ड एग्जाम इसे आसान तरीके से लिख पाएँ। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, वो सारी चीज़ें आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थी हैं, दोनों लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोनों लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 है, ठीक है। मतलब कुछ भी पूछा गया, आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 या फिर कुछ भी, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे निबंध लिख देना इस साइड में, ओके। उसके बाद से यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं और जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके। उसके बाद देखिए बहुत ही आसान शब्दों में आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद से देखिए इसको कैसे आसान तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रदूषण जो है वायु जल एवं स्थल की भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं का अवांछनीय परिवर्तन है, ठीक है। मतलब कि भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का अवांछनीय परिवर्तन है, ठीक है, जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतु पौधों औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है, ठीक है। मतलब कि देखिए कुछ भी हो, यहाँ पे औद्योगिक संस्था हो या फिर कोई भी कच्चा माल हो इत्यादि, जितने भी चीज़ें हैं इनको क्या करता है कि यह हानि पहुंचाता है, ठीक है, जो ये पर्यावरण प्रदूषण होता है, ओके। उसके बाद से देखिए यहाँ पे तात्पर्य यह है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जीवधारी, जैसे जीवधारी में हम लोग भी आ जाएंगे, जैसे मनुष्य भी आएंगे जीवधारी में ही, ठीक है, कि जीवधारी अपने विकास वृद्धि और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए संतुलित वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी जीवधारी है, ठीक है, अभी कोई भी जीव है जैसे मनुष्य ही है, तो उनकी विकास और वृद्धि के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, तो ही मनुष्य भी यहाँ पे इस धरती पे विकास कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे वातावरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से वातावरण के घटकों में कमी या फिर अधिकता होने पर वातावरण प्रदूषित होता है। तो भाई अब देखिए वातावरण जो है उसमें अगर कमी होता है, मतलब उसके जो घटक हैं, ठीक है, जैसे वातावरण के जो भी घटक हैं अगर उसमें कमी होती है या फिर उसमें वृद्धि होती है या फिर अधिकता होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित होता है, ओके। उसके बाद से देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हेडिंग आप जितना डालेंगे उतना आपको यहाँ पे सही रहेगा, ओके। देखिए आपको ऐसे एकदम बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ओके। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, इसमें बहुत सारे प्रदूषण आपके आएंगे, जैसे वायु प्रदूषण आ जाएगा, जल प्रदूषण आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे प्रदूषण आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, और बहुत ही आसान शब्दों में देखिए आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, उसके बाद से प्रदूषण की समस्या का जन्म जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हुआ है, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग मानव का जनसंख्या जो है बढ़ती गई है, वैसे वैसे जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता गया है, ओके। भारत जैसे देशों में तो घरेलू कचरे और गंदे जल को बहाने का प्रश्न भी एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है, मतलब कि देखिए जो भी यहाँ पे मतलब घरेलू में आप भारत में ही देख पा रहे हैं, ठीक है, घरेलू में क्या होता है कि कोई भी कचरा होता है उसको रोड पर या फिर कहीं भी आप फेंक देते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि एक विकराल जो कि रूप जो कि धारण कर लेता है एक प्रदूषण, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, तो इसको आपको ऐसा नहीं करना है, ओके। आपको मतलब ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, ओके। देखिए उसके बाद से आपको यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पे, वायु प्रदूषण, ठीक है, सबसे पहला आपका प्रदूषण वायु प्रदूषण पे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे गैस में कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहते हैं, मतलब कि आप भी ये जानते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है कि मतलब जो गैसें होती हैं विशेष अनुपात में उपस्थित होती है, बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, भाई ये सबको पता है, यही आपको लिखना है, देखिए बहुत ही आसान में। उसके बाद से पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर
ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, मतलब कि देखिए पेड़ पौधे क्या होते हैं कि वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब उनके द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो संतुलित बना रहता है, मतलब कि देखिए हम लोग का ये जो मतलब चक्र चलता है, ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, इस प्रकार से चक्र चलता रहता है और ये जो संतुलन है वो बना रहता है। लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों को काटता है, मतलब वन को काट देता है भाई अपने घर के निर्माण के लिए या फिर कुछ भी के लिए, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है। यह आपको लिखना है, देखिए, औद्योगिक चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का प्रदूषक प्रदूषकों के में मुख्य स्थान है, मतलब कि देखिए जो चिमनियों से निकलता है जो भी मतलब नशीली जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इस प्रदूषक में, ये जो हमारा प्रदूषक है, ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसी का स्थान है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही हमारा वायु सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है, ओके। तो ये आपको इतना लिख देना है, ये हमारा वायु प्रदूषण खत्म, देखिए आपके अपने ही शब्दों में आपको ये खत्म कर लेना है, ओके। उसके बाद से देखिए अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, देखिए डालना है आपको जल प्रदूषण, उसके बाद से इसमें आपको लिखना है सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य के लिए भी बहुत ही जल महत्वपूर्ण है, ठीक है, जल के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। देखिए जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसों में घुली रहती है, ठीक है, मतलब गैसों में ये घुली रहती है, इनकी जल में अधिकता होने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है और वह प्रदूषित जल कहलाता है, मतलब कि देखिए इनकी अगर अधिकता हो जाती है, मतलब कि जो खनिज पदार्थ है या फिर कार्बनिक जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, उनकी अगर अधिकता हो जाती है जल में तो उससे क्या होता है कि जो कि मानो तो मतलब बीमार पड़ेगा ही, ठीक है, इससे क्या होता है जल भी प्रदूषित होता है, ठीक है, और जल जो जल प्रदूषित होता है उसको अगर हम पिएंगे तो भी हम लोग भी प्रदूषित हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग भी जो कि बीमार पड़ सकते हैं, ओके। तो ये जितना आपको लिख देना है यहाँ पे जल प्रदूषण में, ओके। उसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पे हेडिंग अगला होगा ध्वनि प्रदूषण, इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, अनेक प्रकार के वाहन, मोटर कार, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों से सायरन मशीनों की आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, मतलब कि देखिए अब भाई लाउड स्पीकर बजाते हैं तो उससे भी क्या होता है ध्वनि प्रदूषण होता है, ट्रैक्टर से जो मतलब आवाज़ें निकलती हैं बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है, इससे हमारी जो ध्वनि वायु जो है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम वायु ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ओके। इसमें बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे ध्वनि की लहरें जीवधारियों की क्रियाओं पर भी प्रभाव डालती है, मतलब कि जो ध्वनि है वो जीवधारियों की क्रियाओं पर भी प्रभाव डालेगा, और देखिए और ये अधिक ध्वनि मतलब कि यहाँ पे अधिक तेज ध्वनि जो होती है वो मनुष्य के सुनने की शक्ति को भी कम कर सकती है, ठीक है, मतलब कि ये अगर अधिक ज्यादा ध्वनि अगर सुनेंगे, जैसे कि यहाँ पे एयरफोन जो होता है कान में ला करके सुनते हैं, उससे आपकी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, मतलब तो इस प्रकार से आपका ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे हो गया। उसके बाद से देखिए अगला यहाँ पे आपका रासायनिक प्रदूषण, ठीक है, रासायनिक से भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रायः जो कृषक होते हैं वो अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, घासनाशक मतलब जो घास को मार देता है, और रोगनाशक मतलब जो उसमें जो भी पौधे में मतलब जो पौधे होते हैं उसमें जो कि रोग लग जाता है, ठीक है, उसको नाश कर देता है, मतलब नाशक होता है, ठीक है, तो रोगनाशक हो जाएगा, दवाओं तथा रसायनों का प्रयोग करता है, इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, आधुनिक पेस्टिसाइड्स मतलब कि जो भी हमें पेस्टिसाइड्स हैं जो भी मतलब हानिकारक जो रसायन पदार्थ है, ठीक है, का अंधाधुंध भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है, मतलब कि देखिए जो कृषक होते हैं अधिक पैदावार के लिए क्या करते हैं उसमें मतलब रासायनों को प्रयोग करते हैं, जिससे मृदा तो जो कि मतलब कि उसका उर्वरा जो शक्ति है वो कम तो होती है, ऊपर से जो हम उसे खाते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा क्या होता है बहुत सारे जो कि मतलब हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रासायनिक प्रदूषण लिख देना है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे प्रदूषण मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियोधर्मी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे आपके प्रदूषण आ जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है। उसके बाद से देखिए मतलब कि जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना भी आप लिख देते हैं तो आपको बोर्ड में अच्छा मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब लिखना है प्रदूषण का पर नियंत्रण, ठीक है, मतलब जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, देखिए पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए संतुलित समुचित संरक्षण के लिए इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ें मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारी चीज़ों को रोकेंगे तो ही आपका यहाँ पे जो वायु है वो यहाँ पे सुरक्षित होगा या फिर संरक्षित होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो आप तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बंद कर देना है, ओके। उसके बाद से औद्योगिकरण और जनसंख्या की वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है, ठीक है, मतलब जो औद्योगिकरण है जितने भी यहाँ पे औद्योगिक चीजें जैसे कि यहाँ पे कारखाने लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, यह एक प्रदूषण का ही मतलब गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है, ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है यहाँ पे प्रदूषण पर नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन मतलब उपसंहार आपको लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, या कुछ जरूर से लिखना है। उसके बाद इसमें देख लीजिए, इसमें आप लिखिएगा कि वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने पर तथा वृक्षारोपण के लिए जन सामान्य को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, मतलब कि देखिए आपको वृक्षारोपण के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए मतलब सबको कि आप एक एक वृक्ष को मतलब कि 15 दिन पे
आठ दस दिन पे एक वृक्ष को आप जरूर से लगाइए, ठीक है, या फिर महीने में एक वृक्ष को जरूर से लगाइए, ठीक है, सभी लोग। उसके बाद से देखिए यहाँ पे समाज द्वारा किए गए वृक्षारोपण, उसके बाद से यहाँ पे समाज द्वारा किए गए वृक्षारोपण से पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। मतलब देखिए अगर आप वृक्षारोपण करेंगे तो उससे जो कि पर्यावरण जो है शुद्ध होगा, मतलब जितने भी पेड़ पौधे रहेंगे उतने पर्यावरण शुद्ध होगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए अपनी भाषा में लिखना है, देखिए मैं कुछ अलग से इसमें नहीं लाया हूँ, ठीक है, अपनी भाषा में मैं लिखा हूँ, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार जो है वो प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सजग रहेगी और इससे आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। मतलब कि अगर आप यहाँ पे अभी यहाँ पे जो कि अगर ये जो कि काम नहीं करेंगे, मतलब जितने प्रदूषण होते हैं अगर इसको आप कम कर देंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी जो कि बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा और उससे हम इस अभिशाप से जो प्रदूषण है अभिशाप इससे हम यहाँ पे उनको मुक्ति दिला पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको उपसंहार लिख देना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें ईजिली क्लियर हो गएंगी। तो बस आपको केवल और केवल इतना ही लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें आप और भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे, मतलब अगर आप देखिए भाई ये थोड़ा सा पतला पेज है, ठीक है, तो इसमें आप मतलब कि आपके कॉपी में शायद हो सके कि जो मैं इतना बड़ा मतलब लिखा हूँ, ठीक है, या आपके मैं चार पाँच लाइन ही केवल आए, ठीक है, तो आप इसमें और भी जैसे कि और भी प्रदूषण बढ़ा सकते हैं, जैसे कि रेडियो धर्मी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रदूषण हैं तो आप उसमें बढ़ा दीजिएगा, इससे आपका जो कि और भी मतलब कि थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसमें आपको बड़े नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 10 नंबर का है तो थोड़ा आपको लंबा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 2 से 2.5 पेज, ठीक है। तो मैंने जितना आपको बताया वो लगभग तो आपको 2 से 2.5 पेज हो ही जाना चाहिए, ठीक है, तो जितना भी हेडिंग डालेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।